सो या हेलो एवरीवन, आईडी बैन, क्या मैं अपडेट करूं? क्या मुझे अपडेट करना चाहिए? मेरी आईडी बैन तो नहीं हो गई? और आप गलत बता रहे हो, बहुत लोग की आईडी बैन हो गई, आईडी बैन हो रही है, प्लीज़ अपडेट मत करो, नया अपडेट होने के बाद आईडी बैन हो रही है, ये वो। गाइस पता नहीं क्या चल रहा है यूट्यूब पे, और लिटरली मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि काफ़ी लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे। मैंने सोचा कि यार चलो एक बंदे का आया, दो बंदे का आया, इग्नोर कर देता हूँ, बट इतने कमेंट, क्या मेरी आईडी बैन होगी, क्या ये सेफ़ है, क्या नया अपडेट सेफ है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये, तो इससे आईडी बैन हो रही है। यार किसी को कुछ नहीं पता अभी अच्छे से, और बस बोले जा रहे हैं, पता नहीं ये रूमर कहाँ से निकल के आया है कि आईडी बैन हो रही है। और लिटरली मैं आज ही वीडियोस देख रहा था बहुत सारी यूट्यूब पे, मुझे कहीं पे भी किसी ने नहीं बताया कि ये देखो लाइव मेरी आईडी बैन हो चुकी है जब मैंने अपडेट किया। हाँ ठीक है, किसी ने ये ज़रूर बताया होगा कि ये देखो बैन हो गया आईडी, बट किसी ने ये नहीं बताया कि अपडेट कर रहा हूँ, अब देखो ये लाइव मैं अपडेट कर रहा हूँ, उसके बाद ये मैंने गेम ओपन किया और मेरी आईडी बैन हो गई। गाइस अगर आपको ट्रुथ जानना है कि आईडी बैन अगर होती है तो कैसे होती है, और अगर अपडेट करने के बाद आपका क्या होगा, तो वो आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। बेसिकली ये गेम प्ले वीडियो, बट स्टिल हम लोग थोड़ी सी बातें भी करेंगे इसके अंदर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जितना भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में, गाइस सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। सो या गाइस, नया अपडेट है, न्यू इरेंगल 2.0 आ चुका है, काफ़ी लोगों ने अपडेट कर लिया, सभी ने तो नहीं किया है। और यहाँ पे मैं आता हूँ फाइव हाउसेज की साइड, एज ऑलवेज पोचिंग के उतरते हम लोग, और मेरे सामने आ जाते हैं भाई पूरे के पूरे चार बंदे। अब देखो इनका 1v3 कैसे करता हूँ मैं, और एक बंदा कोई मेरा टीममेट मार देगा, बट ये बेचारे थोड़े एवरेज प्लेयर होते हैं, बिकॉज अभी लॉबी ऐसी आ रही है, मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, काफ़ी प्रो प्लेयर्स ऐसा सोच रहे हैं कि आईडी बैन हो रही है, इसलिए उन्होंने अपडेट नहीं किया, तो लॉबी थोड़ी सी एवरेज आ रही है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे मैं इजीली इनका 1v3 करता हूँ, पहले आप ये देखो, उसके बाद बाकी की बातें बाद में करते हैं। मैं DBS लेके जा रहा हूँ। DBS कहाँ है आई? मेरे पास। कोई कंप्लीट करो। अरे हमारे पॉटर भाई तो भाई टिकती नहीं है भाई, सीधा घुसते हैं। गन दे दो वरना तुम दोनों को नेट कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता है कि इनकी टीम का एक बंदा कब नॉक हुआ और कहाँ था वो, और डेफिनेटली मेरे सामने चार बंदे उतरे थे और मैंने तीन मार दिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बेसिकली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसे बोलते हैं, और अगर कौन सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने से आपकी आईडी बैन हो सकती है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दो टाइप की होती है, अगर आईडी बैन होने की बात की जाए तो, वैसे तो देखो बहुत टाइप की होती है, उनके बारे में बात नहीं कर रहा। आईडी बैन कैसे हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सबसे पहले अगर आप कोई VPN यूज़ करके अपना पबजी मोबाइल ओपन कर रहे हो, तो ये चीज़ क्यों कर रहे हैं लोग मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लो एंड डिवाइस जो प्लेयर्स हैं और काफ़ी सारे अच्छे डिवाइसेज भी हैं जिनके पास, उनमें कईयों में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जियो की सिम यूज़ करने से उनका सर्वर मैचमेकिंग नहीं हो पा रही है, सर्वर एरर दिखा रहा है जियो की सिम यूज़ करने से। ठीक है, और मेरे खुद के दोस्तों के साथ भी ऐसा हो रहा है, और मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, बट दोबारा नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई, और ये क्यों हो रहा है किसी के साथ। तो जियो की सिम से अगर आप गेम ओपन करते हो तो यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम आ रही है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार सर्वर प्रॉब्लम आ रही है तो अब हमें क्या यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है दिमाग में VPN। ठीक है, उन्होंने वाईफाई वगैरह से ट्राई नहीं किया, हो सकता है कईयों के घर वाईफाई नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर वाईफाई नहीं होता है, वो अपनी सिम से खेलते हैं डेटा से, मैं खुद भी कभी कभी अपने डेटा से खेलता हूँ, वाईफाई नहीं होता है। तो अब यहाँ पे ये सीन आ जाता है कि वो लोग यूज़ करते हैं VPN, और VPN होती है गाइस थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली पबजी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डिटेक्ट करता है, तो वो अलाउ नहीं करता है इस चीज़ को, और आपकी आईडी को बैन लग सकता है, बिकॉज पबजी वालों को ये थोड़ी पता है कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके आप गेम ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, उनको तो यही लगता है ना कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके शायद गेम हैक किया जा रहा है, तो वो इतनी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें नहीं डालते हैं इसमें, उन्होंने सीधा सा एक चीज़ डाल रखी है कि हाँ अगर आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हो तो आपका गेम बैन करना उन्होंने, क्योंकि वो एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वो हैक की तरह ही डिटेक्ट करते हैं, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रखा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने से उनको नहीं पता लगता है कि कौन सी ऐप है, क्या है क्या नहीं है, जस्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सिनेरियो रहता है गेम बैन फॉर 10 ईयर्स। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है, पहला डाउट तो आपका क्लियर कर दिया मैंने कि हाँ अगर VPN यूज़ करोगे तो गाइस बैन लगना ही है, और बहुत सारे लोग हैं यार जो VPN यूज़ करते हैं, इनका बैन नहीं लग रहा है, अब उन पे मत जाना। ठीक है, आप अपनी रिस्क को लेके देखो, अपने ऊपर अपने रिस्क के हिसाब से चलना भाई, मैं आपको पहले ही क्लियर बता रहा हूँ कि अगर आपका दोस्त
VPN से गेम ऑन कर लेता है तो जरूरी नहीं है कि आपका बैन ना लगे। हो सकता है आप गेम ऑन करो साथ के साथ आपका बैन लग जाए, आपके दोस्त का ना लगे। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई पूरी डिटेल इसके बारे में, मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ नहीं, बट मैं आपको एक क्लियर चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कोई और यूज़ कर रहा है ना VPN तो आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका बैन लग सकता है, लगने दो। उसका नहीं लगता है नहीं लगने दो, आपका बैन लग सकता है, खुद के रिस्क पे ही चलना, ठीक है। तो पहली चीज़ तो उन्होंने गेम ऑन करने के लिए VPN यूज़ किया, वो हो गया थर्ड पार्टी ऐप की वजह से बैन। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन से गेम इंस्टॉल करते हो जैसे एप्टॉइड हो गई या फिर एपीके मिरर तो एक वेबसाइट है, उसकी कोई ऐप नहीं है, ठीक है। किसी वेबसाइट की एप्लीकेशन से, समझ रहे हो, किसी वेबसाइट की एप्लीकेशन, जैसे एक एप्टॉइड एक क्लियर एग्जांपल है, एप्टॉइड एक वेबसाइट का ऐप है, वहाँ से अगर आप गेट बटन पर क्लिक करके पबजी इंस्टॉल करते हो तो वहाँ से भी काफ़ी लोगों का बैन लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, बट वो भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में ही आता है। बट कोई एक ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप किसी एपीके को डाउनलोड कर रहे हो पबजी के ओरिजिनल एपीके को और उसको इंस्टॉल कर रहे हो तो गाइस वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में नहीं आता है, तो उससे आईडी बैन नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी, समझ रहे हो आप। तो अभी मैंने एक रीसेंट लेटेस्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप कैसे पबजी को डाउनलोड कर सकते हो, तो वो मैंने बताया था एपीके मिरर से, ठीक है। अब वो वाला वर्जन कईयों के चल रहा है, कईयों के नहीं चल रहा है, कईयों के वो पार्सिंग एरर वाली प्रॉब्लम आ रही है या फिर कईयों का ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है वो बिकॉज ऑफ एंड्रॉइड रीजंस, तो वो वाली चीज़ आ रही है सामने, ठीक है। तो अब वो वहाँ से आप एक ऐप डाउनलोड कर रहे हो वो है पबजी का, तो वो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, वो सिर्फ पबजी की एप्लीकेशन ही है, तो वहाँ से बैन नहीं लग रहा है गाइज। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बतानी थी जो मैंने बता दी है कि कैसे कैसे बैन लग रहा है, कि एक तो पहले आप अगर कोई थर्ड पार्टी VPN यूज़ कर रहे हो तो एज अ थर्ड पार्टी डिटेक्ट होगा, और दूसरा किसी एप्टॉइड वगैरह या किसी एप्लीकेशन से पबजी को डाउनलोड कर रहे हो, मतलब किसी प्ले स्टोर से नहीं, किसी और अदर ऐप स्टोर से आप किसी जैसे एप्टॉइड वगैरह हो गया वहाँ से आप पबजी डाउनलोड कर रहे हो तो वो थर्ड पार्टी एज एप्लीकेशन डिटेक्ट कर सकता है, तो वहाँ से मत करना, VPN कनेक्ट मत करना। इन दो की वजह से ये आईडी बैन हो रही है, और हो रही है नहीं हो रही है तो मेरे को अभी तक नहीं पता, मैंने सर्च करा है किसी का आया नहीं, बट हो सकती है डेफिनेटली। और अभी तक देखो मैं आ रही है गेम प्ले भी आप मेरा देख सकते हो रियल आईडी से, मेरे 3-4 वीडियोज आ चुकी हैं रेंगल 2.0 की रियल आईडी से, मेरे टीममेट्स मेरी रियल आईडी से खेल रहे हैं भाई, तो कैसे बैन हो रही है गाइस, यहाँ पे लाइव प्रूफ है, ना कोई हमने VPN कनेक्ट किया है ना किसी थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल किया, तो कैसे बैन हो रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रूमर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और अभी अगर लेटेस्ट वीडियो आप जाके देखो साइबर स्क्वाड की, तो साइबर स्क्वाड ने भी बताया कि कैसे भी आईडी बैन नहीं हो रही है, साइबर स्क्वाड ने खुद अपने वेबसाइट पे गाइस उस ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। तो मैंने अभी साइबर स्क्वाड से परमिशन नहीं लिया उनके ऐप को अपने डिस्क्रिप्शन में डालने की, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कौन सा लिंक है क्या है, बट अगर इनके से परमिशन देते हो तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए कैसे डाउनलोड करना है, बाकी जब तक आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हो नो प्रॉब्लम। तो आईडी बैन नहीं हो रही है, ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है कि अगर आपको लगे कि मेरी आईडी बैन हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो गाइज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, बिंदास होके गेम को अपडेट करो, खेलो यार, कब जब तक चल रहा है जब तक खेलो। काफ़ी लोग तो इसी डर में अपनी आईडी लॉगिन नहीं कर रहे हैं, मेरी आईडी बैन हो जाएगी, मेरी आईडी बैन हो जाएगी, और मुझे पता है कि स्काउट ने भी बोला है, ठीक है, स्काउट ने कहाँ बोला था मुझे याद नहीं है, तो अपनी स्टोरी में बोला था या फिर अपने लाइव स्ट्रीम पे बोला था, बट लिटरली ऐसा कुछ नहीं है, मे बी उनको नहीं पता होगा, मैं गलत नहीं बता रहा, बाकी उनको भी मेरे जितनी इन्फॉर्मेशन ही होगी, हो सकता है ऐसा, ठीक है, मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि वो गलत बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं, बाकी VPN वगैरह यूज़ करोगे उन्होंने भी यही बोला है कि बैन होगा VPN वगैरह से, तो वो जो डिटेल्स बतानी थी ना मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो बिंदास होके खेलो, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई कि नहीं हुई, आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और बाकी इस गेम प्ले को देखो, रेंगल 2.0 का गेम प्ले, और बहुत ही मस्त गेम प्ले, अच्छे खासे किल्स होंगे और कतई बूम बम होगा, सो या। और हाँ, अभी तक जो भी वीडियो देख रहा है यार लाइक कर दो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर लाइक नहीं किया तो यार बहुत ही मतलब दिक्कत वाली बात हो जाएगी है तो। और जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ आती है, और कुछ भी जानना हो ना, कुछ भी डाइट क्लियर हो तो यार कुछ भी डाउट क्लियर करना हो तो, इंग्लिश मेरी बहुत खतरनाक है उसमें मत जाना, कुछ भी डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज़ अपने भाई को कमेंट करके बताओ कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, ये डाउट है, और मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, और किस लिए बैठा हूं भाई यहां, थोड़े बहुत सूत्रों के मुताबिक मैं बताऊंगा क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो या आप वीडियो को लाइक कर देना, और गेम प्ले देखो बहुत ही अमेजिंग है, और गेम प्ले देखने के बाद मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय। क्यों भाई, मैं क्यों कूदा? नहीं पड़ती भाई, सीदा खुद ही टपाटप करते हैं भाई, टीम मेट में कस्टम बनाओ भाई, कस्टम भाई अभी नहीं होगा, रूम गाड़ी नहीं है तो कैसे बनेगा।
एक है क्या? करेंगे भाई ये। वेट करो गाइस, थोड़ी सी भी गलती जान के लिए हानिकारक है। फुल हील करके चलो, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। नेड़ गया उन्होंने। अरे भाई एक बंदा पड़ा है अभी भी ऊपर है बिल्कुल। ना उतर के जाओ भाई, टर्बो भाई। इधर ही कहीं होगा। आपको खट्टी लस्सी चाहिए?